नमस्ते जी, नमस्ते एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। अभी हम लोग हैं नासिक में और मुंबई से यहाँ आए थे घूमते हुए, और आज हम लोग नासिक से आगे निकलेंगे। तो सुबह के करीब 8 बजे हैं, हम लोग नहा धोकर रेडी हैं, वीना लगी हुई है यहाँ पैकिंग करने में, सारा सामान पैक हो रहा है, बाबू लगा हुआ अपना कार्टून देखने में, लवी जो है वो रेडी हो रही है। तो सबसे पहले अपन करेंगे ब्रेकफास्ट और फिर निकलेंगे होटल से चेकआउट करके आगे की जर्नी के लिए। क्या क्या है? पोहा है ना, ये रसम है, सांभर, इडली है, डोसा है, साउथ इंडियन ज्यादा है, साबुदाना भी है। मैंने तो भाई छोला भटूरा ले लिया है, और मैडम का प्लेट देखिए भरा हुआ है, सब खाना है। और बाबू कॉर्नफ्लेक्स, लवी एज यूजुअल पोहा। तो जी, करीब 9:15 बजे हैं और हम लोग रेडी अब यहाँ से चेकआउट करने के लिए। चलो लवी, सामान लेकर निकलो, चलो। तो सुबह करीब 9:15 हुए हैं, चेकआउट में थोड़ा टाइम लग गया बिलिंग में, और अब हम लोग नासिक से निकल रहे हैं सापुतारा के लिए। इसके लिए हम लोग एक स्टेट हाईवे पहले लेंगे, जो हमें वानी करके एक जगह है वहाँ ले जाएगा, और फिर वहाँ पर हम लोग एक NH में कनेक्ट करेंगे। NH शायद 943 है। नाउ फाइनली वी आर आउट ऑफ नासिक और ये स्टेट हाईवे 17 है। अगर इस स्टेट हाईवे की बात करें तो इस हाईवे की कंडीशन अच्छी है, बहुत अच्छी है। बस क्या है कि इस पर स्पीड ब्रेकर बहुत सारे हैं, जहाँ जहाँ भी गांव या कस्बे आ रहे हैं वहाँ पर ब्रेकर है। पीछे कुछ 1-2 किलोमीटर रोड थोड़ा ख़राब था, बाकी आप सामने देख ही रहे हैं रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। नाउ वी आर क्रॉसिंग डिंडोरी, ये छोटा सा कस्बा है इस स्टेट हाईवे पर। बारिश नॉन स्टॉप चालू है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो जी, हम लोग पहुंच गए वणी। अभी सुबह के 10:15 हुए हैं, नासिक से हमें यहाँ आने में करीब करीब 1 घंटा लगा। अब यहाँ से हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे नेशनल हाईवे पर सापुतारा की तरफ। तो अपन वणी में 5 मिनट के लिए रुक गए, बीना गई है पानी का बोतल लाने, पानी खत्म है गाड़ी में। और मौसम का जो हाल है ना, इस मौसम में तो लग नहीं रहा कि अपन सापुतारा में घूम पाएंगे। प्लान अपना यही था कि अपन सापुतारा में 2-3 घंटे घूमेंगे, लेक में बोटिंग करेंगे, उसके बाद वहां से दोपहर या शाम को निकलेंगे, लेकिन अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। दिस इज NH 360 जिस पर अभी हम लोग ड्राइव कर रहे हैं सापुतारा की तरफ, और इस पे भी टॉल प्लाजा बना हुआ है, बट आई डोंट नो अभी टॉल शायद चालू नहीं हुआ है, नया बना है क्या। सापुतारा इज अनदर 27 किलोमीटर फ्रॉम हियर, और सामने वहां पहाड़ दिखने लगे हैं, हालांकि वो बादलों में छिपे हुए हैं।
हाँ जी, हम लोग गुजरात इंटर करने वाले हैं और घाट क्षेत्र स्टार्ट हो गया है। और ये कोई छोटा सा टाउन है बोर गांव करके, वो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। सापुतारा इज अनदर 10 किलोमीटर फ्रॉम हियर। नाउ वी आर अबाउट 4 to 5 किलोमीटर बिहाइंड सापुतारा और देखिए मस्त क्या नजारा है। नजारा क्या है, बादलों में घुस गए हैं, उधर अगल बगल के पहाड़ दिख नहीं रहे हैं। लवी हंस रही है। क्या ग्रीनरी है, लेकिन चारों तरफ ग्रीनरी। अभी महाराष्ट्र ही चल रहा है, अभी गुजरात कहाँ इंटर हुआ है, क्योंकि तो इधर पीछे में सब तरफ ना वाइन और बियर शॉप दिख रही थी। अब मेरे को समझ में आ रहा है सापुतारा इतना फेमस क्यों हुआ है, लोग इधर महाराष्ट्र में पीने आते होंगे। मस्त नजारे हैं पहाड़ों के, और मानसून में जो है ना ड्राइव का मजा ही अलग है। इधर बादल जो है ना पूरा पहाड़ कवर कर रखे हैं, और ये सामने वाले जो कार है ना ये सब धीरे धीरे चल रहे हैं, जानबूझकर धीरे धीरे चल रहे हैं। सब बस मजा ले रहे हैं ड्राइव का, और अपन भी 30-40-50 की स्पीड पे चल रहे हैं। महाराष्ट्र स्टेट लिमिट एंड्स और नाउ वी आर एंटरिंग। चलो जी आगे, अब चेकिंग हो गया, आ गए अपने होम स्टेट। खैर अपने पास कुछ है भी नहीं, लेके चलते भी नहीं है अपन, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। भाई साहब यहाँ कोई चेकिंग वेकिंग कुछ नहीं हुआ, वो 30 रुपए का टॉल ले रहा था सिर्फ, अब यहाँ चेकिंग होगा बोले है तो। अगेन पुलिस वालों ने रोका और फैमिली देख करके हम लोगों को छोड़ दिया। शकल से हम लोग शरीफ दिखते हैं, कुछ चेक वेक नहीं किया। और अब हम लोग यहाँ से सापुतारा इंटर कर रहे हैं। तो जी सापुतारा अपन इंटर कर गए, बगल में राइट साइड में पार्क है, आगे कोई लेक भी है सापुतारा लेक, और लेक इधर ही होनी चाहिए थी। हाँ उधर दिख तो रही है लेक, उधर है पीछे, पानी तो पूरा भरा हुआ है। काफ़ी लोग हम लोगों को जब से राजकोट आए थे कह रहे थे सापुतारा जाइए सापुतारा जाइए, तो सापुतारा हाथ हो गए भाई साहब, आके करे अब क्या यहाँ पर, इतना बारिश हो रहा है, जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। हम लोग लेक से आगे बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहाँ ऊपर चले आए, और इधर कुछ दिख विख भी नहीं रहा है ठीक से, विजिबिलिटी बहुत कम है, बट मजा बहुत आ रहा है भाई साहब नजारे देख करके। अरे अब गड्ढे में कहाँ जा रही है गाड़ी, सामने से गाड़ी आ रही है, इधर भी एक कट था। ऐसे चलते चले जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे भाई, मैप देखना पड़ेगा एक मिनट। इसमें गाड़ी रोकना भी डेंजरस है बहुत ज्यादा। हाँ भाई साहब ऊपर से अब अपन नीचे उतर रहे हैं, अब कुछ दिख भी नहीं रहा है, और अभी ये हिल स्टेशन पूरा जो है ना बरसात के मौसम में सुहावना हो गया है। यहाँ रूम ले करके बस रहे, चाय पीजिए, पकौड़ी खाइए, कुछ और पीना है तो नीचे महाराष्ट्र उतर जाइए। मेन रोड से अपन थोड़ा नीचे की तरफ मुड़ गए, और इधर शायद लेक है, देखते हैं रास्ता कहाँ ले जाता है। विजिबिलिटी उतनी अच्छी है नहीं है, इसलिए कुछ पता चल नहीं रहा है ज्यादा। लेक के किनारे मस्त पार्क है, जिसको बारिश में भीगने का शौक है अपना भीग भी रहे हैं। यहाँ एक मॉल रोड भी दिखा रहा है कहीं कहीं एरो पे लिखा हुआ है, बताओ तो गुजरात में हिल स्टेशन उस पे मॉल रोड। अपन कोई मार्केट में पहुंच गए चलते चलते, और सामने बड़ा सा पार्किंग दिख रहा है। अच्छा इधर वो लेक वेक पे जाने के लिए होगा। बंजी इंजेक्शन क्या क्या है, बहुत कुछ है यहाँ पर भी एडवेंचर वगैरह के लिए, पैराग्लाइडिंग भी कहीं है सापुतारा में, वो किधर है पता नहीं। लेकिन यार ये किसी ड्राई डे आना चाहिए था, ये वेट डे में अपन आ गए। ये सापुतारा का मेन चौराहा है, और ये लग रहा है एग्जिट गेट है या गुजरात की तरफ से एंट्री गेट। सूरत इज 180 किलोमीटर, निकला जाए अब सापुतारा, फिर कभी आके टूर किया जाएगा।
घाट से अपन नीचे उतर रहे हैं और घाट में भी गाड़ी जो है ना गियर में ही रखना चाहिए। सिंपल सा रूल होता है कि जिस गियर में गाड़ी आपके ऊपर चढ़ती है उसी गियर में गाड़ी उतारनी भी चाहिए। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ सापुतारा आ रही हैं क्योंकि आज सैटरडे है, सुबह का टाइम है, वीकेंड है दो दिन का, तो जाहिर सी बात है लोग यहाँ घूमने फिरने आ रहे होंगे। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ऊपर जाने वाली गाड़ियों का, और रास्ता जो है ना वो नो डाउट रास्ता काफ़ी मनभावन है, काफ़ी सुहावना है और हाईवे की कंडीशन भी टॉप नॉच है। यहाँ पे कितनी गाड़ियां रुकी हुई हैं खेत का फोटो लेने के लिए, तो हम लोग भी रुक जाते हैं, खेत का फोटो नहीं लेंगे। तो सापुतारा से करीब 8-10 किलोमीटर आगे अपन रुक गए और यहाँ इतनी सारी गाड़ियां रुकी हुई थी तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अपन भी रुक गए कि हो क्या रहा है, लोग बस फोटोग्राफ लेने के लिए रुके हुए हैं यहाँ पर। क्या जी फोटो ले लिया जाए? कहाँ है सेल्फी स्टिक निकालो, लवी बाहर निकाल। यहाँ रुक के हम लोगों ने ढेर सारे फोटोग्राफ्स लिए, वो तो अपन इंस्टा पे डाल देंगे। और बड़ा मज़ा आया, लेकिन मतलब सारी फैमिलीज रुकी हुई थी और आगे रास्ता भी और सीनिक है, और इस सीनिक ड्राइव का आनंद लेते हुए अपन सापुतारा से वांसदा की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ फिर कुछ सीनरी दिख गया, एक नदी दिख गई, तो अपन फिर रुक गए। यही तो करने आए हैं रोड ट्रिप पर। पता नहीं कौन सी नदी है भाई, मस्त मटमैला पानी, पूरा एकदम लबालब भरा हुआ, पहाड़ी नदी होगी कोई, उधर कहीं से आ रही है नदी। इधर रही अपनी गड्डी, वीना को भी नहीं रहा जा रहा, वो भी उतर रही है, और इधर आगे से बहती हुई निकल गई। और नज़ारे क्या है भाई साहब, नज़ारे तो एकदम औसम है, नहीं जी मजा आ रहा है, नहीं सही ड्राइव रहा। परसों भी वैसा ही ड्राइव रहा था नासिक जो आए थे हम लोग, और आज भी जो ड्राइव है वो भी बहुत अच्छा जा रहा है, इसीलिए डेस्टिनेशन से बेटर है। हाँ, जर्नी जो है ना वो ऐसा खूबसूरत है तो फिर क्या सोचना। दोपहर के 12:20 हुए हैं और अभी हम लोग सापुतारा से करीब 20 किलोमीटर आगे आ चुके होंगे, और रास्ता सही में बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत खूबसूरत है, मतलब ड्राइव करने में जो इसमें आनंद आ रहा है ना, आराम से 40-50-60 की स्पीड पर चलिए नेचर का आनंद लेते हुए। बारिश हालांकि बीच बीच में थोड़ी देर के लिए हल्की हो रही है, लेकिन फिर तेज हो जा रही है, लेकिन बारिश में भी घाट में चलाने का एक अलग ही आनंद है। फिर एक नया व्यू पॉइंट दिख गया, तो अपन गाड़ी रोक करके फिर उतर गए। ये कौन सी नदी है जरा भाई इधर के जो लोग हैं वो बताए, सापुतारा के आगे, और ये पुराना सा ब्रिज है, लोग यहाँ खूब फोटोग्राफी कर रहे हैं नदी के किनारे। तो अपन भी उतर गए भाई, जहाँ जहाँ लोग रुक रहे हैं देख करके अपन भी रुक जा रहे हैं। ये वही नदी है जो थोड़ी देर पहले हमें मिली थी, जहाँ मैं रुका था, और दोबारा अपन उसी नदी के पास आ गए। क्या लिखा है, 5 फुट 1.5 मीटर, अच्छा पानी का लेवल है, यहाँ तक जा सकता है पानी। अपन फिर से 2-4 फोटोग्राफ्स लिए, 5 मिनट स्पेंड किया, फिर अपन निकल रहे हैं यहाँ से, छोटे लाल गाड़ी में से कूद के वापस आ गए। ओए छोटू चलो वापस चलो वापस। नज़ारे ऐसे हो तो आदमी बार बार रुकेगा ही, अब कर क्या सकते हैं,
लवी गाड़ी में ही बैठी है, अब अपन निकलेंगे आगे। अरे ये हाईवे के बीच पे खड़े होके फोटो ले रहे हैं सर। नदी के किनारे किनारे हाईवे, एक तरफ जंगल और घाटी, और इसमें जो चलाने का मजा है ना, ड्राइव करने का मजा है, मत पूछिए। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि गुजरात में भी ऐसी कोई जगह होगी। और मेन बात है कि नासिक से आते समय सापुतारा उतना खूबसूरत नहीं है हाईवे, लेकिन जो इधर से जाते होंगे ना, सूरत वडोदरा से सापुतारा गुजरात साइड से, इनको तो मजा आ जाता होगा ड्राइव करने में। मतलब गुजरात गजब है, मानना पड़ेगा। And now we have entered Vansada National Park. Saputara से करीब हम लोग 50 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। तो सापुतारा से 60 किलोमीटर आगे और वानसदा से करीब 6 किलोमीटर पीछे हम लोग रुके हैं होटल सोमनाथ काठियावाड़ी में। और इस जगह को हम लोगों ने पहले से ही शॉर्टलिस्ट कर रखा था किसी YouTube वीडियो में देख करके, और यहाँ हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं काठियावाड़ी फूड। अब आ जाओ, खाना दिखाओ, हम लोगों ने खाने में क्या ऑर्डर किया है। देखिए, ये लहसुनिया बटेटा हो गया, वघारले रोटलो, और ये बैगन का भरता, साथ में प्याज, मिर्च, गुड़, पापड़, रोटी और छाछ। तो काठियावाड़ी खाने की बात यह है कि भाई इसमें थोड़ा तेल ज़्यादा होता है, लेकिन कभी कभी इतना तेल चलता है। और अब हम लोग इसको खाने स्टार्ट करने वाले हैं, और आप भी बस इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ हैं और खा रहे हैं, और नहीं तो आसपास कोई काठियावाड़ी होटल है तो जाइए, काठियावाड़ी फूड इंजॉय कीजिए, सचमुच लाजवाब होता है। तो जी, खाना यहाँ का ना सही में लाजवाब है, चाहे बैगन भरते की बात करूँ या जो लहसुनिया आलू, दोनों टॉप नॉच के हैं। और छाछ और पापड़ के साथ तो भाई साहब आनंद आ गया। ये एकदम हाईवे के बगल में ये ढाबा है, यहाँ आइए कभी सापुतारा की तरफ तो इस ढाबे पे आप ज़रूर रुकिए। फैमिली ढाबा है, काफ़ी सारी फैमिली यहाँ खाती हैं, और आराम से बिंदास होके खाइए, आराम से। काठियावाड़ी फूड जो है ना, हड़बड़ी में नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं है। एक एक बाइट इंजॉय कीजिए, स्लो खाइए, और आराम से खा के फिर निकलिए आगे की ड्राइव पर। तो इस लंच के साथ इस ब्लॉग को हम लोग यहीं एंड करते हैं, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा होता जा रहा है। फिर अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे राजकोट तक की ड्राइव। तो अब वो जो रोड ट्रिप है वो आप अगले ब्लॉग में देखना। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।